नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ आरडी प्रजापति जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। आप सब जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक विवाद चल रहा है। किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने सरेआम अफवाह फैलाई, अफवाह उन पर नागपुर में केस दर्ज कराने की बात हो रही थी, उनको चैलेंज मिला। तमाम टीवी अखबार के ब्राह्मण पत्रकार उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरे साथ आरडी प्रजापति हैं, जिन पर उन्होंने हमला भी करवाया था, उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। प्रजापति जी, क्या कहेंगे बाबा ये धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, कैसे शख्स हैं? देखो, मैं बता देना चाहता हूं सर, शंभू जी क्या है। एक्चुअली ये गांव के रहने वाले हैं और एक गांव, ये गढ़ा गांव है। और इनका जो मैं बता रहा हूं, जो सन्यासी बाबा कहते हैं, इनका जो बाबा था वो रहने वाला वहीं का था, लेकिन इनको उनको खाने तक को नहीं दिया, वो भीख मांग करके बाहर चले गए थे, आपको बता रहा हूं। और ये केवल इन्होंने ढोंग फैलाना शुरू किया, बहुत बड़ा ढोंग। और इन्होंने क्या किया कि अगर एक हमारे प्रीतम लोधी थे, अगर इन्होंने ये उसने ये बोला कि भाई ये ढोंगी बाबाओं के पास में नहीं आना चाहिए, ढोंगी भागा ढोंग फैला करके हमारी माँ बहनों को भूत नचाते हैं, भूत के नाम से अंधविश्वास फैला करके, और पूरा आधा जिस्म खुला रहता है, इसलिए इनको इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने सर ओबीसी के सभा में ही गाली गलौज दिया और कहा कि इनके डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये हिंदू नहीं है, इनको मसल दो, कुचल दो। मतलब इतना बेमतलब की बातें कही, जो कि कोई भी बाबा, आज तक मेरी उम्र करीब 50, 60, 65 वर्ष है, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि इतनी अभद्र भाषा बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, उन्हें कहा डीएनए टेस्ट, मैंने कहा किसी की बहन बेटियों का डीएनए टेस्ट नहीं कहना चाहिए। आपकी बात नहीं मानते तो मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते, या आपके पद चिन्हों पर चले तभी आप। और ये इन्होंने क्यों ये कहा था कितना कि ये कितना लोग पढ़ा लिखा है दारू पी, धीरेन्द्र शास्त्री? कितना पढ़ा लिखा है, कोई जानकारी है? अरे कुछ नहीं साहब, 12वीं होगा अब, ये तो ऐसे ही है, नकल छाप, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं है। इनके घर में कुछ नहीं था, और एक एक के सरकारी सरकारी मकान में अपना कब्जा करके आज भी इनको सास की, जो कह रहे ना कि शासन कहते हैं कि सास की, ये सास की मकान, जो शासन का मकान बना था उसको गिरा करके इन्होंने घर बनाया है, जो आज भी ये लोग वहां से वो चला रहे हैं ना अपना, ये दरबार, ये सामुदायिक भवन है, ये शासकीय भवन है। जमीन कब्जा करने का भी आरोप लगा है। हाँ, ये क्या है, इनकी वहां जमीन ही नहीं थी, और ये मंदिर भी, ये हनुमान जी का मंदिर नहीं था, ये आपको बता रहे हैं, बागेश्वर धाम एक शंकर जी का मंदिर था, उसके पुजारी वहां के यादव बरादरी, घोष बरादरी के लोग थे, और वो ही पूजा करते थे। एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी के बगल में थी, जिसकी आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। भाई यही लोग कहते हैं कि जब हम प्राण डालेंगे उसमें, मूर्ति में, तभी वो सिद्ध होती है, लेकिन आज तक उसका प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई, और इन्होंने उनकी जमीन हड़पी। और आपको बता देना चाहता हूं, जब ये संवैधानिक, अपना संविधान के अनुसार अगर चलता है, तो हमारा देश सभी धर्मों का आदर करता है, एक धर्म का कोई भी दरबार किसी शासकीय संस्था से नहीं लगाया जा सकता। नहीं, अच्छा, ये ये क्या दीन, क्या 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 इलाज करने का दावा करते हैं लोग? कोई खोया हुआ सामान भी मिल जाता है, बीमारी भी ठीक कर देते हैं। आप ये लोग गए सभी इस चीज दरबार बताते में, हैं गए हैं? इनके दरबार में। सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं कि ये ढोंग फैला करके भूत पोंगड़ा के नाम से, और ये इतनी अभद्र वार्ता करते हैं। हमारे यहाँ जो ठठरी ठठरी बाद में कहते हैं ना सर, तो शंभू जी, ये ठठरी हमारे यहाँ औरतें, जब आदमी मर जाता है, जो अर्थी जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड में, उसको ठठरी बोलते हैं। तो आप ये मानिए, वो आसन से जो गद्दी कहलाती है, व्यासपीठ कहलाती है, और यहाँ कोई मर्द नहीं कभी बोलता ठठरी, औरतें बोलती है ठठरी के बारे में।
ये पहला व्यक्ति है मतलब बुंदेलखंड का पहला व्यक्ति है जो ठठरी कहते हैं, आज तक कोई भी एक शब्द नहीं कोई बोलता। आज गमार से गमार मतलब क्या वो इलाज इलाज भी करते हैं मंत्रों से? देखिए ये क्या करते हैं, मंत्र मानते हैं। और आप ये मानिए कि हजारों की संख्या में जो मां बहने हैं वो अर्ध नंगा होकर के नाचती हैं। हमने इनका विरोध किया कि ये मनु का संविधान नहीं है कि कोई भी बहन बेटी अपने आप कभी गए हैं इनके दरबार में? मैं नहीं जाता, नहीं मैं नहीं पाखंडियों के यहां कभी मैंने देखा है, मतलब हमारे लोग जाते हैं YouTube में और इसमें सब में देखता हूं, मैं कभी जा नहीं सकता ऐसे आदमी का, नहीं नहीं आप क्योंकि नहीं मुझे जाने में आपने जाके नहीं देखा तो इस तरह की आरोप आप लगा रहे हैं, तो आपको आप तो जाके देखते। देखिए अगर मैं जाकर देखता तो वहां जिंदा ही नहीं आ पाता। मेरी बात सुनिए, मेरे लोग ही जाते हैं, मेरे लोग आप पूरे लोग मेरे जो घर के लोग हैं, ये बंटी है, बहुत लोग जाते हैं, ये लोग अच्छा, देते हैं, वीडियो आपसे बनाते हैं मीडिया स्वयं। वाले क्या क्या संपर्क कर रहे हैं, क्या पूछ रहे थे? मेरे से ये पूछते हैं कि भाई स्वामी महाराज कहते हैं कि ये दिव्य शक्ति है, तो मैंने कहा ठीक है दिव्य शक्ति है तो हनुमान जी के लिए केवल एक ही व्यक्ति है क्या? क्या इनको रजिस्टर इनको कोई प्रमाण पत्र मिला है क्या हनुमान जी ने दिया है? और क्या कोई एक आदमी ही सर्टिफिकेट या कोई यहाँ के RTO है? हम लोग गाड़ी तो है नहीं ये चेक करेंगे कि आप ठीक हैं कि आप नहीं ठीक हैं, और धर्म के ठेकेदार एक ही आदमी है भाई हिंदू में तो सब लोग, हनुमान जी अगर हैं तो सब जगह है। अब ये लोग कहते हैं कड़कड़ में भगवान है, यही लोग कहते हैं, तो जब कड़कड़ में भगवान है तो बागेश्वर धाम क्या हनुमान जी घर में क्यों अच्छा है? मतलब अच्छा, हनुमान तो एक ही, आपके मेरा साथ कहने का मतलब आपके साथ हमला क्यों हुआ था? आपने कोई कंप्लेन दर्ज कराया था इनके खिलाफ? मेरे मेरे ऊपर हमला इसलिए हुआ था, इन्होंने जब कहा कि ये इनके जब खुले मंच से कहा कि इनके ऊपर इनका DNA टेस्ट होना चाहिए, एक लोधी बिरादरी के आदमी का, और इसलिए होना चाहिए कि इन्होंने गाली दिया और ये कहा इन्होंने कि जो लहसुन होता है वो राक्षस से मल से पैदा होता है, तो मैंने कहा जब राक्षस के मल से लहसुन पैदा होता है, अगर आपका मल रखा है आपके मल से क्या रसगुल्ला पैदा होगा क्या? राक्षस के मल से, अरे मल तो किसी का भी मल हो, तो लहसुन तो प्याज लहसुन और बहुत संख्या में लहसुन के गंध किसान है मध्य गंध प्रदेश। देती है, अरे प्याज लहसुन गंध देती है इसलिए कि लहसुन राक्षस के मल से पैदा हुई है, उगी है, क्योंकि राक्षस में जो समुद्र मंथन हुआ था, आप पर हमला हुआ, समुद्र मंथन हुआ, आपने आपने कंप्लेन दर्ज कराया था इनके खिलाफ? हाँ मैंने 11/10/2022 मतलब 22 को, 11/10 को मतलब आपके 11 अक्टूबर को मैंने कंप्लेन कराई, मेरे ऊपर पत्थर मारा गया था तो इनको और पत्थर इसलिए मार, क्या आपने नामजद अभियुक्त बनाया था इनको हाँ दोषी? नामजद करवाया था, उनके भक्तों द्वारा मुझे मारा गया था। और जब तो मैंने क्या हुआ, 3 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम रहा, मैंने एक शब्द कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि ये दारू मुर्गा करते हैं और इनका DNA टेस्ट होना चाहिए, तो मैं आज भी कहता हूं कि आपके पिताजी और आपका भाई आज भी दारू पीता है, उनका भी DNA टेस्ट होना चाहिए। जब आप हम पे शंका करते हैं हम आप पे शंका करते हैं भाई, मेडिकल में अगर आप मेडिकल नहीं मानते हैं तो फिर मेडिकल समाप्त कर देना चाहिए, ये स्वास्थ्य विभाग ही समाप्त कर देना चाहिए, क्या जब ये आप सब चीज इलाज जानते हैं। इलाज करने का दावा भी करते हैं? इलाज करने का पूरा कि कैंसर ठीक हो जाएगा, भूत हट जाएगा, आपकी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगे, सन्यासी बाबा है, अरे सन्यासी बाबा तो आपके बाबा थे, पिताजी के पिताजी थे, जो भूखे मर गए, जो बाहर चले गए उनको रोटी तक नहीं मिली, और आज आपकी संपत्ति सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जो रोज चर्चा में है कि 25 से 30 करोड़ है, और मध्य प्रदेश के 5 बाबाओं की संपत्ति 1,55,000 करोड़ है, और मध्य प्रदेश का कुल बजट 2 लाख
सवा 2 लाख मतलब 2,17,000 करोड़ है। वामन जिले में जितनी संपत्ति विकास में खर्च होना है, नदियां जोड़ने में, तालाब बनाने में, घर बनाने में, बिजली बनाने में, पूरा बजट जितना है वो 5 बाबाओं की संपत्ति है। तो काला धन किसको कहते हैं? मेरा निवेदन है, काला धन जिसका लेखा जोखा नहीं हो उसको काला धन कहते हैं। गरीब आदमी अगर कपड़ा खरीदता है तो टैक्स, अगर मैंने सब्जी पैदा की मेरे पे टैक्स, मैंने दूध पैदा किया मुझे टैक्स, मैंने गल्ला पैदा किया मुझे टैक्स। और जो करोड़ों की संपत्ति जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया में है, ब्राह्मण समाज के लोग आदमी सुनिए ना सर, आप सब्जेक्ट से, क्या ब्राह्मण समाज के लोग जाते हैं इनके दरबार में? वो भी भक्त हैं इनके? इनके यहाँ करीब 1,000 ये लोग रखे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, लगभग 500 से 1,000 जो मैनेजमेंट देखता है, जो जो केवल इनका काम है। जैसे मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ आपने अंधश्रद्धा मूलन जो जो बता रहे हैं ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है, हमारे श्याम मानव जी हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ आओ। और मानव जी कह रहे हैं कि भाई देखो, परीक्षा कहीं भी होती है तो जहां नकल होती है वहां परीक्षा नहीं दी जाती है। आईएएस आईपीएस जिसको भी भाई परीक्षा वहां दो ना। अरे मैं कह रहा नकल नहीं होती। मेरा सवाल था कि क्या इनके यहाँ भक्त के रूप में सवर्ण भी जाते हैं, ब्राह्मण राजपूत लोग भी जाते हैं, या सिर्फ पिछड़े दलित हैं ज्यादा? देखो सब जाते हैं, लेकिन पिछड़े दलित ये चढ़ाने के लिए जाते हैं और वो लेने के लिए जाते हैं। वहां जो कार्यकर्ता है, जो उनके कर्मचारी है, उसमें सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं। वो SC ST के तो वहां अंदर नहीं जा सकता, केवल आप बाहर रहेंगे जाली के बाहर। और वहां रात को मैं बता रहा हूं, जैसे पूरी उनकी जमीनें यादवों की छीन ली गई, उनको रात के बुलडोजर चलाए गए, उनको भगाया गया रात। भाई हम कहते हैं, अगर कह रहे थे मेरी जमीन है तो रात को बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है? तो क्या वहां तो बारह महीने इनका वहां मंच सजा रहता है? क्या है, अभी 2 साल से लगभग इनका ये मंच चल रहा है। और अब तो जो बुंदेलखंड के आसपास के जिले हैं वहां के लोग इनकी कार शैली जान गए, और वहां इनके यहाँ के लोग केवल वही लोग जाते हैं जिनको पैसा मिलता है, जो वहां ठेकेदारी करते हैं, जो इनके एजेंट हैं। बाकी यहाँ के लोग अब जाना बंद कर दिए, शुरू में गए क्योंकि तो इनके यहाँ कम आप से कह कम रहे हैं कि 5 पैसा पैसा देकर भी वीडियो शूट कराया जाता है, कि आप लोग पैसा लेके कहते हैं कि हमारा बीमारी ठीक हो गया या हमारा कल्याण हो गया? बगैर पैसे का तो ये मैं बता रहा हूँ, ये 25 से 30 हजार करोड़ कहाँ से आ गया? अगर इनको पैसा नहीं लेते हैं तो क्या इनके यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं? चलिए नहीं, मैं क्या? वो नहीं कह रहा हूँ, जो भक्त हैं इनके, जो टीवी पर दिखाया जाता है, जो वीडियो डाल रहे हैं कि कोई किसी का पैरालिसिस ठीक हो गया, लोग गुण गा रहे हैं, क्या उन लोगों को भी पैसे दिए जाते हैं? ये बिल्कुल, कम से कम इनके पास 400-500 औरतें ऐसी हैं, महिलाएं, जो कि पैसे पे लगी। इनके जितने लोग हैं सब पैसे पे लगे, और ये सब वहां से पूरे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और कैमरे में क्या करना है वो 2-3 दिन पहले से इनकी अर्जी स्वीकार किया जाता है, आपको क्या बीमारी है क्या क्या है वो पहले से बता दिया जाता है, आप समझ रहे हैं ना? पूरा यूट्यूब में वो डिटेल सब पहले से, पूरा डिटेल पहले से ले लिया जाता है। टोटली डिटेल, अगर डिटेल नहीं है तो सही है, सांच को आज कहां। तो बागेश्वर धाम जी को उनका हम पूरे हमारे मध्य प्रदेश ने, बुंदेलखंड ने, पूरे विश्व में इनका नाम हो जाएगा कि एक चमत्कारी बाबा जो 26 वर्ष का है वो पैदा हुआ है, जो सब चीज जानता है। तो पहले तो देखिए, पहले तो हमारी पूरे हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। ये CID CBI ID ED इनकी जरूरत नहीं रहेगी, कोई मंत्रालय की जरूरत नहीं रहेगी, कोई मंत्रालय की नहीं। और जब यहां सभी सरकार के लोग मंत्री आते हैं, चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे स्टेट सरकार के हो, तो जब सरकार बाबा ही चलाते हैं तो ये सरकार की चुनाव करने की मूर्खता है, बेकार कराते हैं चुनाव, क्यों करवाते भाई? बागेश्वर धाम सरकार, फलाने सरकार, ढिकाने सरकार, तो जब मनु की सरकार चलती है तो संविधान की सरकार जब चलती ही नहीं है तो क्या मतलब निकलता है?
और जब ये ही सब जानते हैं तो आप क्या कर रहे हो। लेकिन टीवी अखबार के जो ब्राह्मण पत्रकार है वो तो कह रहे हैं कि बाबा सही आदमी है। नहीं बाबा, मैं बता रहा हूं यहां बाबा इसलिए सही है कि जितना पैसा वो देता है कोई नहीं दे सकता, बाबा इसलिए सही है। और आपको बता रहा हूं जो मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, और ये इसलिए हुआ था कि छतरपुर जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में बाबा के विरोध में, बाबा के ढोंग के विरोध में एक आदमी 9.5 करोड़ में से मध्य प्रदेश में एक सिंगल व्यक्ति नहीं बोला आरडी प्रजापति के अलावा, आरडी प्रजापति के अलावा। मैंने तो देखी सोच लिया, मैं गलत नहीं, मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं समाज का विरोधी नहीं हूं, मैं अंधविश्वास का विरोधी हूं, मैं ढोंग का विरोधी हूं। अब ये कह रहे, एक बार ललितपुर में उत्तर प्रदेश में सभा होने वाली थी इनकी, अब वहां 2.5 लाख रुपए कथा एक पैर धोने का, इसका मतलब एक मेनू निकला था, जैसे मेनू नहीं उसमें बनता। जिला आप लोग का एक ही है, जिला एक ही है, एक ही मतलब ज्यादा दूर थोड़ी है, मैं उसी विधान मतलब बगल में विधानसभा मेरी लगी है, चंदा विधानसभा बगल में है। तो ये हमारे साथ आरडी प्रजापति थे जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंड के खिलाफ जब आवाजें उठाने शुरू की तो इन पर जानलेवा हमला हुआ था। शुक्रिया प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।